हेलो भाई, अरुण पवार इंटरव्यू फिलहाल बहुत तगड़ा वेट कर रहा है भाई। 5:30 बजे यहाँ पे खड़ा होकर बस इधर उधर ही देख रहा है, क्योंकि भाई आई एम गेटिंग सो मच लेट। आज मेरी इंटरनेशनल ट्रिप है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था शायद, ये एकदम सरप्राइज है। कल परसों टिकट बुक कराई थी हमने और आज हम लोग निकल रहे हैं। बस भाई 10 बजे की फ्लाइट है और 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता, और मैं 5:36 पर भी घर ही हूँ। और जो मेरे यार दोस्त सब हैं वो पहुँच चुके हैं, और आकाश पवार भाई हमारा आके नहीं दे रहा है भाई। देखो कहते कहते ही देखो कितनी जल्दी स्पीड में बाइक भगा के लेके आया है, फटाफट आ गया। बस एक पानी की बोतल और भर लूँ जरा। तो भाई फटाफट घर से निकल गया हूँ मैं 5:41 पे फाइनली। ये देखो आप टाइम, और आज 2 अप्रैल है। और आकाश पवार कैसा लगा, चल रहा है भाई मेरे साथ? अरे चल भाई, चल तो रहा हूँ। तू मेरा बैग रख के नहीं लाया क्या? नहीं भाई तेरा। अरे चलो कोई नहीं, वहीं से खरीद ले पैसा बहुत। तो भाई मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, ये मैं आपको वहीं बाद में चल के बताता हूँ, थोड़ा बहुत सस्पेंस बना रहना चाहिए। ये मेरी दूसरी इंटरनेशनल फ्लाइट है भाई, पहले तो मैं दुबई भी जा रखा हूँ, बट अब की बार कुछ अलग ही लेवल पे जा रहे हैं हम, और कुछ काम से जा रहे हैं भाई। देखो सनराइज होने लग रहा है, सूर्य देवता आने वाले, लेकिन सूर्य देवता से के आने से पहले ही हम लोग भी निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरह, जहाँ जिसको 1 घंटा लगता है हमारे यहाँ से भाई नेट, हमारे घर से IGI दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3:56 मिनट में पहुंच जाऊंगा 6:38 पे। यूँ कह रहा हूँ भाई इतनी जल्दी जा कहाँ करेगा भाई, इंटरनेशनल 4 घंटा पहले पहुँचना रहा है, और भीड़ डोमेस्टिक से भी ज्यादा इंटरनेशनल में रहने लगी। मेरा नाम ले दिया भाई, हम पहुंच गए टर्मिनल 3। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और कितनी भीड़ भी है काफी यार, मैं लेट ना हो जाऊं कहीं। तो भाई एयरपोर्ट पहुंच गए, एयरपोर्ट पहुंच गए टर्मिनल 3। ठीक है, मैगी खाएगा मजे लेगा। ये मेरा पासपोर्ट ठीक है, चुरू चुरू जा रहा हूँ मैं भाई। भाई अपना एंट्री बोर्डिंग पास सब कुछ हो चुका है, अब गेट पे चलता हूँ। लो भाई सब कुछ क्लियर हो गया है और आ गए हैं इस पोर्शन में। अब मैं बताता हूँ भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं भाई, सोच भी नहीं सकते आप भाई, हम जा रहे हैं थाईलैंड। और थाईलैंड तो एक देश हो गया, थाईलैंड की जो राजधानी, जैसे इंडिया हमारा देश हो गया राजधानी दिल्ली है, ऐसी भाई हम जा रहे हैं बैंकॉक। और लेके कौन जा रहा है भाई? ये भाई, ये भाई लेके कौन जा रहा है? हाँ भाई, इन्होंने फोर्स किया था भाई कि बैंकॉक चलेंगे, बैंकॉक ना भाई। बता दो मोटर शो है वहाँ पे, इंटरनेशनल मोटर भाई इनके। आप ड्रेसिंग सेंस से देख सकते हो, यही जा रहे हैं थाईलैंड जाएंगे तो ड्रेस तो यही पहनेंगे। एक्चुअली भाई बैंकॉक जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मोटर शो लगा हुआ है, मतलब ऑटो एक्सपो जैसे इंडिया में लगता है, और यहाँ का तो कुछ भी नहीं होता, उसके 10% भी वहाँ तो बहुत तगड़ा होता है। मतलब सारी गाड़ियाँ और सारी कंपनियाँ आती हैं, मतलब अलग अलग देश के कोने से, तो वही चल के देखेंगे है भाई। और मेन तो भाई मतलब क्या है, वीज़ा फ्री कंट्री है ना, तो उधर कोई वीज़ा नहीं लगता कुछ नहीं। 29,400 की टिकट हो गई अप डाउन की, 15,000 रुपये तो यार कई बार, जैसे हमने परसों प्लान बना था और आज हम निकल गए, यानी कि 31 तारीख को टिकट हुई रात को 11-12 बजे जाके, और आज हम निकल गए। इतने में तो क्या हम मुंबई वगैरह या फिर कहीं बाहर की करवाते, बेंगलोर की, इतनी टिकट तब पड़ जाती है। हमने कहा घूम के आ जाएंगे दूसरे देश में, और 10 मई तक वीज़ा फ्री भी है, वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, तो ऐसी कोई भसड़ भी नहीं कि पहले वीज़ा लो ये लो, सीधा अपना निकल जाओ और वहाँ जाके ले लो। हैं भाई अब जा रहे क्यों ना पहले थाईलैंड, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? मैं फुकेत गया था, बहुत बढ़िया था। फुकेत क्या है? फुकेत मतलब जैसे बैंकॉक है वहाँ पे फुकेत है, पता है और भी जगह है वहाँ। ये मतलब एक तरीके से स्टेट हो गए, स्टेट्स हो गए जैसे दिल्ली, आगरा, गुड़गांव ऐसे। अच्छा जी, ज्यादा सबसे फुकेत बहुत अच्छी जगह है। फन कहाँ पे सबसे ज्यादा? फुकेत बढ़िया है, मतलब क्वालिटी वाइज वहाँ का, मतलब ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन रशियन क्राउड है वहाँ पे। आप तो यंग से लग रहे हो भाल के टपा के बहुत, कल परसों तो बूढ़े बूढ़े से लग रहे थे। नहीं वहाँ पे एक्चुअली वो है ना अपना मोटर शो में, समझो बात को। ठीक है भाई चलो, अभी हमारे 2 भाई और हैं हमारे साथ, हम 4 लोग जा रहे हैं भाई। अब वो 2 भाई वॉशरूम में, जरा उनको आने देते हैं। वो अपने मतलब ये लोग तो भाई कितने बजे आ गए थे भाई एयरपोर्ट पे? भाई हम आ गए जल्दी, हम आ गए 4-5 बजे यहाँ पे, 4-5 बजे 10 बजे की होती, हमने सोचा लॉन्ज एक्सेस लेंगे। हाँ लॉन्ज एक्सेस मेरा तो हो रहा था, उन 2 भाई वहाँ नहीं हो रहा। देखो भाई उनमें से एक भाई तो ये है, इनका नाम है आदित्य त्यागी, ये बुराड़ी दिल्ली गांव से। सुनाओ भाई ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। फर्स्ट टाइम है आपके इंटरनेशनल? मेरा फ्लाइट में फर्स्ट टाइम है भाई, एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम। अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस कैसा? आप हवाई जहाज देख के एक्साइटमेंट नहीं हो रही क्या? एक्साइटमेंट हो रही है, तभी तो देख रहा हूँ भाई। तो भाई देखो इन्होंने इतनी जल्दी की, जल्दी निकल जाओ जल्दी निकल जाओ, 7:40 पे भी अभी ऐसे ही पड़े यार, अभी 2.5 घंटे जाने में भाई, कुछ भी नहीं है मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल में। पहले भाई आप एक बार पकड़ना एक बार भाई, देखो कुछ भी नहीं है। पहले हमने एंट्री ली, वहाँ पे सामान चेक इन करवाया,
और फिर हमने क्या इमिग्रेशन करवाया, कुछ भी नहीं पूछा, रिटर्न टिकट दिखा दी। और भाई मेरे से अकोमोडेशन पूछा था पूरे दिन का। अच्छा हाँ, पहले मैंने 2 दिन का दिखा दिया जो हमारा परमानेंट है, उसके बाद कि पूरा 10 तक रुक रहे हो तो 10 तक दिखाओ, मैंने वो दिखा दिया। ओ भाई हमसे ना पूछा कुछ भी, मेरे से तो कुछ भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा मेरा, स्ट्रिक्ट सी मैडम थी। फिर सिक्योरिटी कराया और फिर हम सीधा यहाँ पे आ गए और अब वेट कर रहे हैं। अभी तो फ्लाइट है 10:15 की और अभी तो 2-2.5 घंटे बच रहे हैं, तो वो देखते हैं भाई कैसे काटेंगे। पर एक्साइटेड हो भाई थाईलैंड? थाईलैंड मेरा क्या, मैं तो भाई काम से जा रहा हूँ, आप लोग बताओ अपना। यार ये जगह इतनी बदनाम क्यों है भाई? यार भाई लोग पहले से पहले ही क्यों करते हम जैसे लोग भी बदनाम। अब हम जा रहे हैं प्रोफेशन की वजह से भाई, हमारा तो कोई मतलब नहीं। तो भाई फिलहाल हम आगे लॉन्ज में, हम पे अच्छे अच्छे कार्ड है तो हम पे मिल गया। यहाँ फ्री का सब कुछ मिलता है भाई, कुछ भी खाओ पियो सब कुछ है, सही सिस्टम है इनका। तो भाई उधर की साइड बहुत कुछ है चरने को, मतलब खाने को। वो दोनों भाई तो सो रहे हैं, उन वो हम आगे लॉन्ज में अपना फ्री का खाना खाने, डोसा बोसा सब सो जाए। और ये क्या है? ये योगर्ट, सब चीज थोड़ी थोड़ी चखो। ओके ओके, ये वो बैगन, वो येलो वाला आता है ना, क्या क्या कहते हैं उसे, वैसा मेलन होता है वो भी एक। थोड़ा हेल्दी, अब मैं हेल्दी खाता हूँ बस, ये तो चखना है। तो रुक भाई, शेरा को भी मैं चीज डालते हैं कटोरे में। तो भाई इसका सिस्टम रहता है, अगर आपके पास जैसे कोई भी प्रीमियम कार्ड होता है ना तो उसमें से 2 रुपये कटते हैं, जैसे HDFC का हो या बहुत सारे मतलब कार्ड्स आते हैं उसमें आप मतलब चेक करवा सकते हो। हमारा फ्री मिल गया हमको तो हम रेट लेते हैं अभी तो, जब भी बहुत टाइम हमने फ्लाइट में, बार बार फ्रेश हो फिर थोड़ी देर वेट करो फिर दोबारा कुछ पढ़ो, फील ही अलग है। पीने का 101 भाई, महंगी से महंगी दाव, ये देखो जो पीने वाले बंदे हो उनके लिए तो वो है जन्नत है। महंगी महंगी शिवास रेगा लो, पता नहीं कौन कौन सी बोतलें सब, ये देखो सुबह सुबह कुछ भी लो आप कुछ भी। अभी हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे आए हैं तो ब्रेकफास्ट की जितनी वैरायटी होंगी ना सारी अवेलेबल है यहाँ पे, और लंच के टाइम पे आएंगे तो लंच की अवेलेबल होंगी, रात को खाने आएंगे तो सही है भी। पर इंडिगो की फ्लाइट में तो कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो 400 रुपए का एक सैंडविच मिलेगा, वो भी बेकार सा, भूख का भी स्वाद नहीं रहता। चलो भाइयों को मैं रिव्यू देता हूँ जरा खाने का, कैसा टेस्ट वेस्ट भी है नहीं है, बहुत गलत करा है। चलो भाई अब चलते हैं बोर्डिंग, फाइनल कॉल हो रही है, कोई नहीं लोग वीडियो में देख लेंगे। चलो भाई बैंकॉक 4-4.5 घंटे की फ्लाइट है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, पर इस छोटे से प्लेन में परेशान हो जाएंगे। पर सस्ती टिकट थी इसकी 13,000 रुपये की, मैं कहा ठीक है इतनी तो कई जगह पे वो डोमेस्टिक की रहती है, चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। वो वाली लाइन होती है वो, हैं वही लाइन होती है वो, हम ही है भाई लास्ट में, बस हम ही बचे हैं, बाकी बुरी जाएगा हमारे बाद। भाई ये तो बिल्कुल वैसे ही प्लेन जैसा डोमेस्टिक में होता ना, एकदम बेकार सा यार। हम सारे भाई बैठ गए चारों के चारों, देखो यहाँ पे यार दुबई गए थे एयर अरेबिया, कितनी बुराई करी थी, वो भी इससे ठीक था, थोड़ा लाल लाल सा खुला खुला सा तो लग रहा था, टीवी तो था उसमें कम से कम कि कितनी देर में पहुंचेंगे, टीवी लग रहे थे यार। इसमें तो बिल्कुल वही भी नहीं आ रही भाई कि इंटरनेशनल जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं यहीं कहीं जा रहे हूँ आसपास, मुंबई जयपुर फेपुर हैदराबाद साइड ही। रियलिटी में यार जबकि हम इतनी दूर थाईलैंड जा रहे हैं 4-4.5 घंटे, इसमें कैसे कटेंगे यार, इतने अनकम्फर्टेबल, देखना कोई स्पेस नहीं होता कुछ नहीं होता यार, हद है। देखना भाई प्लेन तो ये है यार, ये महंगा रहीसों का, और कितना लंबो एक अल्लाह, तो एक अल्लाह में वहाँ में भी ना रहा है, मेरेट तो दुबई का भाई है, एक अल्लाह में उसमें भी नहीं आ रहा, नकली सा लग रहा है, लोकल लोकल सा। तेल गिर चुका है भाई,
और बॉडी कंप्लीट हो गई है भाई, अपना कोई नहीं है, है। गो इंटरनेशनल ये दोनों भाइयों की फर्स्ट फ्लाइट है और पहली फ्लाइट है मैं। अच्छा सेकंड है, मैं गरीब हूँ भाई। तो भाई देखना कैसे मजा आएगा, हूँ उड़ेगा, एक्साइटमेंट नहीं हो रही कुछ? एक्साइटमेंट तो हो ही रही है यार, समझ भी नहीं आ रहा अभी कुछ हो क्या रहा है। समझाते हैं भाई कैसे क्या बोलते हैं, वैसे तो स्पीकर सब बोलता है, ये नहीं बोलता। बाय बाय, भाई थाईलैंड पहुंच लिए, उतरने वाले हैं। यहाँ के खेत देखना कैसे लंबे लंबे से हैं, अजीब से ही। और यहाँ लैंड तो इतनी खाली पड़ी है, हमारे मतलब स्क्वायर फॉर्म में रहते हैं, लंबे लंबे से। ये कैमरा बेकार आईफोन का यार, सैमसंग लेना पड़ेगा। ये पहुंच गए भाई हम बैंकॉक। बैंकॉक कितना एडवांस देश है भाई, यहाँ तो ऑटोमेटिक झाड़ू लगती है पोछा। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं बैंकॉक, जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है भाई यहाँ पे आने का। और यहाँ की लैंग्वेज देखो आप कैसी है, वो समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? ट्रांसफर टू चेन्नई भाई। ये देखो ऐसी ऐसी जगह पे भी आप जा सकते हो। अब हमको इमिग्रेशन करवाना है अपना पासपोर्ट पे, और भाई फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, टैक्सी लेके अपने होटल वोटल बुक कर रखे हैं, वहाँ पे पहुँचना है। होटल बुक करवाने पड़ते हैं भाई, ज़रूरी है, क्योंकि ये देखते हैं इमिग्रेशन पे इंडिया में मेरा चेक किया था। अब देखते हैं भाई फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है बैंकॉक का। अभी तो बेकार था क्योंकि टॉयलेट में भाई बस पेपर वेपर था यार, धोने वाला सिस्टम ही नहीं था, वोटर वो वाला था, बट क्या पता वहाँ पे मिल जाएगा। एक फ्लैट सा ले लिया हमने, पूरा बुक कर रखा है। और मेन है खाने की बहुत समस्या बताई यार, कहते हैं बदबू आती है तेल फेल में से, ऐसे लेज फेज में, हर चीज़ में से। एरिया से भी नहीं निकल सकते, जहाँ से जहाँ वो बन रहा होगा ना, हम जैसे बंदे तो हम निकल सकते हैं। और इनका लेज का पैकेट भी खोल दिया ना, उसमें भी इतनी गंदी स्मेल है, कोई आदमी आप आ रखे हो चीटो चीटो एक्सपीरियंस आदमी हो अभी तो मैं कुछ और लेके आया हूँ। और भाई यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी कि आपको पहले कोई भी वीज़ा लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके आपको वीज़ा मिल जाएगा जस्ट आपके पासपोर्ट पे, और वो भी फ्री है शायद से 10 मई तक। पहले मतलब जब भी 2-1 हज़ार रुपये लगते थे, जबकि फ्री वीज़ा है यहाँ पे, लेकिन जब भी 2 हज़ार रुपये देने पड़ते थे, बट अब तो भाई बिल्कुल ही फ्री है, मतलब 10 तारीख तक, ऐसा कुछ स्कीम मैंने पढ़ा था, बाकी अभी पता चलेगा तो मैं आपको बता दूँगा। भाई हो गया वीज़ा, वीज़ा का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हद्दी हो गई यार, ऐसा लग रहा अपने देश में ही है, कोई पैसा ना लिया कुछ ना लिया, बैग का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई अब बाहर आ गए हैं, और यहाँ का एयरपोर्ट देखो भाई, जैसे पुल बने रहते हैं हमारे वहाँ KMP वगैरह ऐसा है, ये बिल्कुल यहाँ पे एयरपोर्ट है। अब ढूंढ रहे हैं भाई कोई टैक्सी वगैरह, क्योंकि जहाँ पे हमारा स्टे है वो हमको पता ही नहीं था, 1 घंटा दूर है यहाँ से, 45-50 किलोमीटर है, पता नहीं आउटर्स में है ये वाला। वो भाई के फ़ोन में ही नेट चल रहा है, ये देख रहे हैं तो ना रहे ओटीपी नहीं आ रहा यार, पता है ये बाहर देशों में समझ नहीं आता कैसे जाएं अपने उस पर। टैक्सी मिलेगी हमें नीचे, वहाँ को टेक्नीशियन का नीचे। भाई गाड़ी भी क्या मंगवाई है भाई ध्रुव भाई ने यार, ग्रैब ग्रैब करके ऐप है भाई इधर, एक 1400 रुपये में हो गई 50 किलोमीटर के लिए। और भाई यार सारी गाड़ी जड ब्लैक है यार, देखो सारी जड ब्लैक, सारे हमें इंडिया में कोई नहीं पकड़ता भाई, जाके आउट पकड़ेंगे। भाई यहाँ हाईलक्स का बहुत फैशन है, देखो कैसे कैसे लोग बना के रखते हैं, सिंपल सोबर, मतलब गाड़ियाँ तो यहाँ एक से एक है, ज़्यादातर होंडा टोयोटा यही है। अच्छा भाई वीज़ा का बताता हूँ, वीज़ा यहाँ पे भाई बिल्कुल फ्री है, हम गए कोई भीड़ नहीं कुछ नहीं, इतने सारे काउंटर बना रखे हैं, जस्ट 30 सेकंड के अंदर अंदर फोटो खींच के जाओ इतने और अच्छे से। बात कितनी प्यारी बोल गई, कहती कि वेयर आर यू फ्रॉम, हमने बोला इंडिया, कहती You are free to go, no visa required for Indians. और ऐसे करके मतलब बहुत अच्छा लगा। और अब टैक्सी से भैया हम जा रहे हैं अपने होटल पे। एक यहाँ पे ग्रैब करके वो चलता है भाई ऐप, वो ओला उबर नहीं है, पे ग्रैब डाउनलोड कर लेना कभी आओ तो, और आप जा सकते हो। हमने वही बुक करा 1401 रुपये में। भाई किया भी है यहाँ तो, किया सबसे छोटा है किया का, तो किया बिकती ना लगे, किया गाड़ी ना दिख रही भाई हमें, पीपीएफ वाले की दुकान है, कितनी तगड़ी गाड़ी खड़ी है अंदर भाई, नए ऐप पे दिखा रहा 630 बात और 710 बात ले रहा है बड़ा के, तो ये है भाई चोर है ये, छोटा है टकला चोर है ये भाई, ने हिंदी पिंदी समझ ना आवे कसम, तो छोटा ही यही तो निकाले सी। गाड़ी बढ़िया है वैसे देखने बहाने में, पर बच गया हम 3 जने परेशान है यार पीछे बैठ के। और भाई 630 की जगह 710 भात ले रहा है, बताओ मतलब एक भात एक इंडियन रुपी के 2.51 रुपया के लगभग बराबर है, ऐसा कुछ है। तो मैं जो बताया करूं जैसे 710 इंटू 2.5 कर लेना, इतने रुपये हमने बता 2000 के लगभग रुपये दे दिए हमने यार,
अब तो उतार भी ना रहे, वहाँ तो भाग के आयो करने का नहीं है भाई। ये हमने ऐसे फ्लैट से रहते हैं यहाँ पे, इनको कोंडोला बोलते हैं, कोंडो बोलते हैं कोंडो। तो यार बहुत गर्मी है, ऐसे कुछ वाइब सा लगी नहीं आ रही, लग रहा है इंडिया में ही आ गए हूँ। आईलैंड आ गए भाई, UR T11 यहाँ में हमारा फ्लैट है, पूरा अपार्टमेंट ही ले लिया हमने। भगा दो यार, थकले तो क्या, तो भग जाए थे भाई। अब टाइम आ गया आपको अपना अपार्टमेंट दिखाने का। ये देखो आप, ये इस प्रॉपर्टी के ओनर है, मैंने बोला था ना फ्लैट लिया है हमने, तो देखना भाई क्या घाटा है यार, 4,000 रुपए में 2 दिन के लिए, 4 दिनों के लिए। देखना, दो यहाँ सो जाओ, दो वहाँ सो जाओ, कैसे भी एडजस्ट कर लो सिस्टम है भाई। और भाई बढ़िया लगा हमें तो ओवरऑल। और यहाँ पे 1.5 घंटा आगे चलता है भाई अपने इंडिया से, यानी कि यहाँ पे जैसे 5:42 हो रहे हैं, वहाँ पर रहेंगे अभी 4 ही। और वेरी गुड, ओके, दिस इज गुड। सॉरी, उसको टच करेंगे तो वो खुल जाएगा। और भाई इनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, जीरो इंग्लिश, मैं वो इनको ये टॉयलेट तक भी नहीं पता है, तो पता नहीं मतलब इंग्लिश तो नेचुरल लैंग्वेज होनी चाहिए हर जगह की, बट उनको बिल्कुल ही नहीं आती, बिल्कुल मतलब इंग्लिश तक भी समझ नहीं आ रही कि इंग्लिश में बोल रहे हैं हम, कि इंग्लिश ही बोल रहे हैं हम, इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं हम। ओह वाओ, इट इज वेरी गुड, गुड गुड, मूड चेंजर। भाई यहाँ खाना बहुत बुरा है, तो इसलिए भाई पहले से ही घर से ही अपना इतना सारा लेके आए, जो हमें रेडीमेड बना के यही चाप जाए। रेडीमेड भी मिलेगा, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है, देख लो भाई। वाई फाई चल नहीं रहा, तो एंटी लग रही है, मतलब उसमें बात बात करने की क्या सिस्टम है इसका। देखो यार भाई, वैसे कहीं के फोन में टावर ना, भाई अभी चलेगा वाई फाई भी, लेकिन उससे पहले भाई स्पेशल गेस्ट से तो मिलो। ये कौन है और बाबू जी कैसे हो? बस बढ़िया, रुको टेस्ट करना। तो भाई संस्कारी सुमित भाई भी आ रखे हैं बैंकॉक की। हाँ, तो हम काम से ही आए हैं, अगर कोई भाई गलत सोचे तो कुछ भी। कौन सोचेगा गलत? अरे बहुत सोच, तुम्हारे भाई जरो भाई की ड्रेसिंग सेंस देख के तुम्हारा रहा तो थोड़ी सोचेगा गलत यार। नहीं भाई, जाने नहीं दोगे गलत। मुझे एक बात बताओ, ड्रेस यहाँ यही नहीं चलेगी, जींस वींस में तो पूरा बहुत। अभी अभी उतर जाएगी भाई, पर ये तो बहुत तगड़ी चीज है, हल्दीराम का आ जाओ, लो मोर्चे मारो भाई, बहुत टेस्टी है। मैं तो नहीं जान रहा यार, पैकेट को कैसे स्वाद आता है, घर से ज्यादा मजा दे रही है यार, मिर्च फिर से यार। अभी शादी नहीं हुई ना, तो ये बोल सकता है घर से ज्यादा मजा दे रही है। आप नहीं बोल सकते अभी? अभी मैं नहीं बोल सकता, भाभी देखती है लोग। मुझे कन्विंस कराना पड़ेगा, उसे टेस्ट कराना पड़ेगा। भाई का दिमाग देखो, भाई सिस्टम देखो, यहाँ का मेरा दिमाग नहीं, इनका दिमाग देखो, कि हमारे इंडिया में क्या होता है, इधर का व्यू लेने के लिए 2 कैमरे लगा देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इन्होंने इधर की पूरी गैलरी कवर करी इस कैमरे से, साथ में लगा दिया यहाँ मिरर। तो भाई एक इनसेट में मिरर दिख रहा है, जिस मिरर में आपको यहाँ का व्यू दिख जा रहा है पूरा, एक कैमरे से एक साथ दो दो आपको दिख जा रहे हैं। बहुत स्मार्ट में करते हैं। इस चीज को कहते हैं ना कि भाई आप कम से कम ना, नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, वाईफाई है नहीं और स्पीड है नहीं कुछ मोबाइल डाटा की, तो हम भाई के रूम पे चल रहे हैं, वाईफाई चल रहा है अच्छा। हाँ, वहाँ 150 Mbps। ओके भाई, हमने सोचा इतनी दूर क्या जाएं, 7-Eleven है यहाँ, जैसे हमारा 24/7 है ना, ऐसे 24 घंटे खुलता है जो स्टोर, सब चीज़ जिस पे मिलती है, इस पे चलते हैं एक बार, उस पर पूछ ले वाईफाई दे देगा तो यार, वेल एंड गुड है, इतनी दूर का हट बोले, टैक्सी भी नहीं है, रात में तो बढ़िया लग रहा है नज़ारा, ये कहाँ मिल रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ आया सिम लेने, बट भाई ई सिम नहीं चलती है, मेरे फ़ोन में US वर्जन है, इनको कन्वर्ट करके समझाओ भाई। अब सिम तो मिली ना ई सिम, पर एक चीज़ कहूँगा, US वेरिएंट फोन्स में कभी मत लो, कब नहीं पता भाई आपको कि कब विदेश जाना पड़ जाए और सिम लेनी पड़ जाए। और एक चीज़ भाई, जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, क्योंकि साइड में गाड़ी पार्कड है भाई, कोई हॉर्न नहीं बजाता यहाँ, आप खुद सुनो, आपको कोई पी पा पा कुछ भी सुन रहा है, जबकि खूब व्हीकल डोल रहे हैं रोड पर, कोई बजाता ही नहीं है हमारे वहाँ, फालतू अननेसेसरी पी बी 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 बी। अगर वहाँ मारुति का हॉर्न पसंद नहीं है, क्रेटा वाले लगने चाहिए। उससे भी आई फाई करोल बाग वाले बैठे हैं भाई, यार ये बढ़िया बिल्डिंग ही बिल्डिंग बना रखी है। देखो भाई, अब जैसे पीछे से भी आ रहा है ना, कोई पी पी नहीं करेगा, ये देखो चाहे रोड पर चल रहे हैं चाहे कुछ चल रहे हैं हम, कोई किसी को कुछ मतलब, इन्होंने सीखा ही नहीं वो सब,
एक किलोमीटर पैदल चलवा रहे हैं संस्कार सुमित भाई अपना वेट कम करने के चक्कर में हमें लपेट रहे हैं। आज ये वीडियो अपलोड बाहर करना बहुत भारी पड़ रहा है भाई। अभी हम भाई के रूम पे आ गए हैं जो इन्होंने ले रखा है। ये यहाँ पे वाईफाई की डाउनलोड स्पीड बहुत तगड़ी आ रही है लेकिन अपलोड नहीं आ रही। अरे तो भाई हम मॉल से में आए अब भी कुछ नहीं हुआ भाई। ये तो वाईफाई का पासवर्ड ही नहीं देते, कह रहे हम थाई पीपल को देते हैं ओनली। कैसी इमेज बनाए भाई, फर्क नहीं पड़ता। तो भाई फिलहाल खैर अभी हम आगे रूम पे, यहाँ जाके वाईफाई ऑन हुआ है भाई, कुछ काम चल रहा था इसमें। अब यहाँ पे अपलोड कर दिए वीडियो। कहाँ मंगा डोले है भाई, भाई कितना घूमा है, कितना पैदल घूमा है हम भाई। यार कहीं काम नहीं बना, फाइनली अपने घर पे आके बात बनी है। तो भैया अब ऐसी बात, अब सोते हैं इसी वैसी चला के और भाइयों सब सुबह मिलेंगे गुड मॉर्निंग के साथ। चलो भाइयों रात हो गई 10-11 बज गए यहाँ की, देख लो 10:09 ये है थाईलैंड का टाइम। इंडिया में 1.5 घंटे पीछे चल रहा पर नींद आ रही है भाई, हम सुबह के जागे हो रहे हैं ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।